आदतों का शिक्षा व सीखने में महत्व। रेबर्न महोदय कहते हैं कि सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। यह कथन शिक्षा और सीखने में आदतों की उपयोगिता को प्रमाणित करता है। अच्छी आदतें बालक के संतुलित शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में योगदान देती है। आदतें बालक के चरित्र का निर्माण करती है। वह अपनी आदतों के कारण ही कर्मठ या अकर्मठ, उदार या स्वार्थी, दयालु या कठोर बनता है। इसलिए कहा गया है कि चरित्र आदतों का पुंज है। आदतें बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उसके अभाव में उसका व्यक्तित्व प्रभावहीन हो जाता है। यहाँ पर क्लेपर महोदय कहते हैं कि आदतें व्यक्तित्व का आवरण होता है या है। आदतें बालक के व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। आदतें बालक के स्वभाव का अंग बन जाती है, अतः उसे बाध्य होकर उन्हीं के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ड्यूप ऑफ वेलिंगटन का विचार है कि आदत दूसरा स्वभाव है। आदत स्वभाव से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। आदत बालक को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत रखती है, अतः वह अनैतिक, अधार्मिक या असामाजिक कार्य नहीं करता है। आदत बालक में जीवन के कठिनतम कार्यों के प्रति घृणा उत्पन्न नहीं होने देती है। वह यही कारण है कि मनुष्य अंधेरी खानों, हिमाच्छादित प्रदेशों और ऐसे अन्य स्थानों पर कार्य कर सकता है। आदत बालक को समाज के अनुकूल और समाज विरोधी कार्य न करने में सहायता देती है। इस प्रकार आदत समाज में स्थायित्व में योगदान देती है। जेम्स का यहाँ पे एक कथन है, आदत समाज का विशाल चक्र और उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षिका है। जब बालक को किसी कार्य को करने की आदत पड़ जाती है, तब उसे करने में उसको थकान का अनुभव नहीं होता है। तो आगे के चैप्टर में थकान के बारे में ही पढ़ेंगे। जब कोई सीखी हुई बात बालक की आदत में आ जाती है, तब उसको स्मरण रखने में उसे किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव भी नहीं होता। जब बालक में किसी कार्य को करने की आदत पड़ जाती है, तब वो शीघ्रता, कुशलता और सरलता से कर लेता है। इससे होने वाले एक अन्य लाभ की ओर संकेत करते हुए रेबर्न महोदय ने कहा था कि आदत हममें जीवन के अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय और मानसिक शक्तियों की बचत करने की क्षमता उत्पन्न करती है। हमें उपयुक्त पंक्तियों में शिक्षा और सीखने में आदत की उपयोगिता की पुष्टि अनेक तथ्यों से की, किंतु हाल ही में शैक्षिक प्रयोगों से यह प्रमाणित किया गया है कि शिक्षकों को बालकों में आदतों का निर्माण करने के बजाय शिक्षक की अधिक प्रभावशाली विधियों को खोजना और प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण बताते हुए मार्शल ने लिखा है कि आदत का निर्माण केवल संतोष का चिन्ह है, और जब आदतों का निर्माण हो जाता है, तब अधिगम और उन्नति का कार्य अवरुद्ध हो जाता है।